हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी सलमान खान सर की मोस्ट आउटेड मूवी राधे मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, हिंदी भाषा में बनी फिल्म राधे मूवी है, जिसे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग को बतलाएंगे फिल्म राधे मूवी से जुड़े न्यू रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात की जाए फिल्म राधे मूवी की, तो इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान, सुहैल खान, अतुल अग्निहोत्री जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटक के रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को आखिरकार 13 मई 2021 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म भारत में G5 के माध्यम से G+ पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में एक नाटक के रिलीज के साथ, हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों आज भी बहुत पसंद करते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यह फिल्म बहुत जल्द ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों आप देखकर एंजॉय उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान राधे के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अभिनेत्री दिया भयंकर के रूप में दिशा पटानी राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन का रोल निभाए है। वही अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म में राणा के रूप में हैं, जबकि जैकी श्रॉफ एपीसी क्राइम ब्रांच अनिवास बैंकर राधे की वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई सुधांशु पांडे दिलवार के रूप में दिखाई दिए हैं। मेगा आकाश निकिसा के रूप में हैं और भारत इंस्पेक्टर सर्वोस के रूप में गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी, गोविंद नामदेव संयुक्त संचालन आईजी रमेश पाटिल के रूप में प्रवीण तरडे और दगड़ू दादा फिल्म में रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया कि प्रभुदेवा की दबंग 3 को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे। और दोस्तों फिल्म ईद उल फितर यानी 22 मई 2020 को रिलीज किया गया था और इसे सेल्ड फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने का अटकल थी, लेकिन दोस्तों असर पर रिलीज होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वांटेड 2009 का सीक्वल था, जिसका शीर्षक वांटेड 2 है, लेकिन दोस्तों फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। अक्टूबर 2019 में यह फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलॉस की आधिकारिक रीमेक होने की पुष्टि की गई थी, जो दोस्तों सियोल में चीनी कोरियाई गिरोह के बीच वास्तविक जीवन के गिरोह युद्ध पर आधारित है। 2019 में 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे के साथ ही यह पुष्टि की गई थी। 2020 की ईद रिलीज हुई थी। अभिनेत्री दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था। अभिनेत्री दिशा पटानी का भारत के बाद
खान के साथ दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवास को फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म को अपने उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। खान ने कलाकारों और चालक दल के सदस्य के लिए सेट पर प्लान किए जाने वाले नए दिशा निर्देशक पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियर की मदद के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में शुरू हुआ था, जहां खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने विजुअल इफेक्ट्स पर 7.15 करोड़ खर्च किए थे। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई, जिसे तब कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कई योजना नहीं थी, क्योंकि अक्सर के निर्देशक के अनुसार सभी उत्पादक कार्य रोक दिए गए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ, जहां कुछ कैप्चर सीन और खान और पट्टानी पर आधारित एक गाना फिल्माया गया था। फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई थी। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का साउंडट्रैक साजिद वाजिद देवीश्री और देवीश्री प्रसाद हिमेश रेशमिया साजिद रचित है, जो गीत शब्बीर अहमद, साजिद खान और कृष्ण वर्मा द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का इसको संचित बलहार और अंकित बलहार द्वारा रचित है, जो राधे वाजिद खान की जोड़ी में मन पुराना काम किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म राधे की, तो 13 मई 2021 को एक सीमित नाटक का विमोचन हुई और 21 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ था। यानी खान ने आगे घोषणा की थी कि फिल्म सभी चालू सिनेमाघरों में और जीप्लेक्स G5 द्वारा पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियो पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत 449 प्रति व्यू बताई थी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं। यह फिल्म ऐसी बनी है कि इस फिल्म को दर्शकों ऑल टाइम भी देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिसमें जितनी कहूँ उतनी बढ़ाई है। फिल्म की बजट मात्र दोस्तों इस फिल्म की बजट 90 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है राधे। फिल्म की रन टाइम 1 से 9 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। 13 मई 2021 को रिलीज हुई फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत प्यार करते हैं। फिल्म की कहानी की ओर थोड़ा नजर डाले तो दोस्तों फिल्म की खतरनाक रौना एक ग्रुप गैंगस्टर ड्रग्स का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। वह एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उससे उधार लिए पैसे नहीं लौटाए। वह आदमी मंसूर भाई का साथी है। राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को ड्रग बेचने शुरू कर देता है। इसके कारण नशे की लत के कारण 3 महीने में 12
लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई पुलिस राणा के रोकने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ देकर मात्रा दिया जाता है। पुलिस बल मामले को सुलझाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है। वह नौकरी स्वीकार करता है और राधे एक मॉडल दिया यानी भयंकर से मिलता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों, राधे उसे बताता है कि एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है। दिया धीरे धीरे राधे से प्यार करने लगती है। राधे को साथी अधिकारियों से पता चलता है राधे दादा सहित दगडू दादा की गिरोह के सभी लोगों को हरा देता है। राधे दादा एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे पूछताछ करता है। वह उसे बताता है कि दिलवार का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है। राधे दिलवार के इलाके में जाता है और उसे आदमियों को उसके बाहर लाने की धमकी देता है। दिलवार सहमत हो जाता है, लेकिन राधे दिलवार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलवार को दादा को एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहता है। राणा मंसूर के साथ मिलकर काम करता है और वह दिलवार को अपने पास फुसलाते हैं और राणा के उसके आदमी दिलवार को बेरहमी से चाकू मार देता है। बाद में राधे को पता चलता है कि दीवार दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश भयंकर की बहन है। अविनाश उसके रिश्ते को मंजूरी देता है। राणा उसे सचक दादा के गिरोह को संदेह को मार देता है। अगले दो दिनों में राणा और ड्रग्स बेचता है। राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसे रक्षक एलाइड पीडी क्लब जैसी ही पुलिस आती है, वो भाग निकलते हैं। दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म राधे मंसूर को गिरफ्तार करता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे दगड़ों की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है। राणा बदला लेने के लिए दगड़ू को मार देता है। राधे को अक्षम मना जाता है और एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। राधे अविनाश की मदद से गुप्त रूप से अपना काम जारी रखता है। इस बीच राणा के एक गार्ड जिसे गिरफ्तार किया जाता है, दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वो एक सौदा करते हैं और अधिकारी गार्डों को भागने देंगे यदि वह उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता है और गार्ड सौदे को स्वीकार करता है। दोनों अधिकारियों के बारे में पता चलता है कि उन्हें राधे ने एक चाल के रूप में काम पर रखा था। राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है। राधे स्कूल के छात्रों की मदद लेता है और वो स्वीकार करते हैं। राणा के गिरोह और जिन लोगों को वो ड्रग की आपूर्ति करते हैं उनकी तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। फिल्म राधे अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है।
निकासा नाम की एक पुलिस अधिकारी राणा द्वारा पकड़ी जाती है। राणा उसे मारने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख नहीं पाता है। अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जो गिरफ्तार किए गए थे भाग जाता है, और राधे उनमें से अधिकांश को और ड्रग का कारोबार शुरू करने की योजना बनाता है। राधे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और राणा और गार्ड से लड़ता है। उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। बात की जाए दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी, अभिनेत्री की तो इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों इस फिल्म में बहुत पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से अपने अभिनय की शुरुआत की और बायोपिक एम एस धोनी ऑन द टॉल स्टोरी 2016 के साथ उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई, जो दोस्तों चिन्नी एक्शन कॉमेडी कुंग फू योग्गा 2017 में दिखाई देने के बाद पठानी ने बागी 2 2018, भारत 2019, मंगल मलंग 2020 और कल्कि 2898 ईस्वी 2024 फिल्मों में अभिनय किया है। वह दोस्तों फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हो चुकी है। अभिनेत्री दिशा पटानी ने 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था। उन्होंने मौनी की भूमिका निभाई, जो एक मजबूर शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी के एंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म 200 मिलियन के बजट पर बनी थी। 106 मिलियन के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। अगले वर्ष दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्र में दिखाई दी, जिसे भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने टी सीरीज के तहत निर्मित किया था। और दोस्तों मित ब्रदर्स ने इसे संगीत विरुद्ध किया था। मित ब्रदर्स द्वारा लिखी और निर्देशित गायिका आदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म में दिशा पटानी को नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडरटॉल स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक मिला है, जो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के जीवन की कहानी पर आधारित एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी। उन्होंने दोस्तों एम एस धोनी के चरित्र की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई, जो एक कार दुर्घटना में मर जाती है। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी। और 126 एक से दोस्तों 216 करोड़ यानी 26 मिलियन के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता दोनों कहा कि दिशा पटानी ने अपनी पहली फिल्म में चमक दी है। इसके बाद दोस्तों अभिनेत्री दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में काम किया था।
जो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर अभिनीति 2016 में फिल्म बागी की सीक्वल और बागी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है। फिल्म का डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म बागी 2 को 30 मार्च 2018 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया था, जिसमें दोस्तों इसके एक्शन दृश्य की प्रशंसा की गई थी। एनडीटीवी के सेवलचरजी ने लिखा, अभिनेत्री दिशा पटानी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन दोस्तों उन्हें केवल अपनी भूमिका के माध्यम से नींद में चलने की आवश्यकता है। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 258 करोड़ यानी US$31 मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। 2019 में दिशा पटानी, सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में कुछ समय के लिए दिखाई दी गई थी। भारत को रिलीज पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अपने जीवन काल में 325.58 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो दोस्तों एक व्यावसायिक सफलता थी। और उन्होंने मोहित सूरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म मलंग 2020 के साथ एक नए दशक की शुरुआत किया था, जिसमें आदित्य राय कपूर की अनिल कपूर और कुणाल खेमू ने सह अभिनय किया है। फिल्म को आलोचकों से इसके संगीत, एक्शन दृश्य, निर्देशक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखते हुए दिशा पटानी को शायद अब तक का सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है। वह बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को छू लेने वाली प्रदर्शन करती है। यह एफ और व्यवसाय माध्यम से व्यवसायिक सफलता थी। कैरियर में मंदी और बड़े पैमाने की परियोजनाएं 2021 की वर्तमान दिशा पटानी ने प्रभुदेवा की राधे 2021 में सलमान खान के साथ प्रमुख महिला के रूप में फिर से काम किया था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी हुई थी। फिल्म को ईद उल फितर के मौके पर ZEE5 के माध्यम से जी फ्लैक्स पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों फिल्म को OTT पर मजबूत दर्शक मिले, लेकिन इसे आलोचकों से और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। उन्होंने दोस्तों कहानी, पाठकथा, निर्देशन और VFX की आलोचना की है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने महत्वहीन चरित्र के लिए प्रतिक्रिया भी मिली है। पटानी ने मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ एक रिटेल सेल्स गर्ल की भूमिका निभाई है। फिल्म को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली है। एक साल की अनुपस्थिति के बाद पटानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारियत द 2024 में एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है, जो बहुत देरी से रिलीज हुई थी। द क्विटन की प्रतिभा मिश्रा ने दिशा पटानी को एक संभावित एक्शन स्टार कहा, जबकि उनके लड़ाई अनुक्रम की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों कहा कि वह संवाद प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं। फिर भी फिल्म को व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया। दिशा पटानी को तेलुगु फिल्म कल की 2898
में सफलता मिली थी, जिसमें उनकी जोड़ी प्रभास के साथ बनी थी। उनका किरदार रॉकी रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में एक कार्यकर्ता है जो दोस्तों भैरव को पहली बार अंदर ले जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी, जो 2020 के बाद दिशा पटानी की पहली फिल्म थी। 2024 में उनकी दो और रिलीज होने वाली फिल्म की उम्मीद है। पहली उनकी तमिल डेब्यू फिल्म कोवा कंगुवा है, जिसमें सूर्या के साथ काम किया जाएगा, जिसके बड़े बजट की पीरियड एपिक होने की उम्मीद है। वह कॉमेडी सीक्वल वेलकम टू द जंगल में भी दिखाई देगी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी सलमान खान सर की मोस्ट आउटेड मूवी राधे मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा में बनी फिल्म राधे मूवी है, जिसे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग को बतलाएंगे फिल्म राधे मूवी से जुड़े न्यू रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात की जाए फिल्म राधे मूवी की, तो इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान, सुहैल खान, अतुल अग्निहोत्री जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को आखिरकार 13 मई 2021 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म भारत में G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में एक नाटक के रिलीज के साथ, हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों आज भी बहुत पसंद करते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यह फिल्म बहुत जल्द ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों आप देखकर एंजॉय उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान राधे के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अभिनेत्री दिया भयंकर के रूप में दिशा पटानी राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन का रोल निभाए है। वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म में राणा के रूप में हैं, जबकि जयकिश राव एपीसी क्राइम ब्रांच अनिवास भयंकर राधे की वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई सुधांशु पांडे दिलवार के रूप में दिखाई दिए हैं। मेगा आकाश निकिशा के रूप में हैं और भारत इंस्पेक्टर सर्वोस के रूप में, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी, गोविंद नामदेव संयुक्त संचालन आईजी रमेश पाटिल के रूप में प्रवीण तरडे और दगड़ू दादा फिल्म में रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया कि प्रभुदेवा की दबंग 3 को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे। और दोस्तों फिल्म ईद उल फितर यानी 22 मई 2020 को रिलीज किया गया था और इसे सेल्ड फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने का अटकल थी, लेकिन दोस्तों असर पर रिलीज होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वांटेड 2009 का सीक्वल था, जिसका शीर्षक वांटेड 2 है, लेकिन दोस्तों फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी।
अक्टूबर 2019 में यह फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलॉस की आधिकारिक रीमेक होने की पुष्टि की गई थी, जो दोस्तों सियोल में चीनी कोरियाई गिरोह के बीच वास्तविक जीवन के गिरोह युद्ध पर आधारित है। 2019 में 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे के साथ ही यह पुष्टि की गई थी। 2020 की ईद रिलीज हुई थी। अभिनेत्री दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था। अभिनेत्री दिशा पटानी का भारत के बाद खान के साथ दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवास को फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म को अपने उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। खान ने कलाकारों और चालक दल के सदस्य के लिए सेट पर प्लान किए जाने वाले नए दिशा निर्देशक पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियर की मदद के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में शुरू हुआ था, जहां खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने विजुअल इफेक्ट्स पर 7.15 करोड़ खर्च किए थे। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई, जिसे तब कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि खान अपने फर्मा हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कई योजना नहीं थी, क्योंकि अक्सर के निर्देशक के अनुसार सभी उत्पादक कार्य रुक दिए गए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ, जहां कुछ कैप्चर सीन और खान और पट्टानी पर आधारित एक गाना फिल्माया गया था। फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई थी। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का साउंडट्रैक साजिद वाजिद, देवीश्री और देवीश्रेष्ठ प्रसाद, हिमेश रेशमिया, साजिद रचित है, जो गीत शब्बीर अहमद, साजिद खान और कृष्णा वर्मा द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का स्कोर संचित बलहार और अंकित बलहार द्वारा रचित है, जो राधे वाजिद खान की जोड़ी में मन पुराना काम किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म राधे की, तो 13 मई 2021 को एक सीमित नाटक के विमोचन हुई और 21 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ था। यानी खान ने आगे घोषणा की थी कि फिल्म सभी चालू सिनेमा घरों में और जीप्लेक्स G5 द्वारा पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियो पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत 449 प्रति व्यू बताई थी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं। यह फिल्म ऐसी बनी है कि इस फिल्म को दर्शकों ऑल टाइम भी देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिसमें जितनी कहूँ उतनी बढ़ाई है। फिल्म की बजट मात्र दोस्तों इस फिल्म की बजट 90 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है राधे। फिल्म की रनर टाइम 1 से
9 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। 13 मई 2021 को रिलीज हुई फिल्म राधे, यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत प्यार करते हैं। फिल्म की कहानी की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों, फिल्म की खतरनाक रौनक एक क्रू गैंगस्टर ड्रग्स का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। वह एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उससे उधार लिए पैसे नहीं लौटाए। वह आदमी मंसूर भाई का साथी है। राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को ड्रग बेचने शुरू कर देता है। इसके कारण नशे की लत के कारण 3 महीने में 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई पुलिस राणा के रोकने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ देकर मात्रा दिया जाता है। पुलिस बल मामले को सुलझाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है। वह नौकरी स्वीकार करता है और राधे एक मॉडल दिया यानी भयंकर से मिलता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों, राधे उसे बताता है कि एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है। दिया धीरे धीरे राधे से प्यार करने लगती है। राधे को साथी अधिकारियों से पता चलता है राधे दादा सहित दगडू दादा की गिरोह के सभी लोगों को हरा देता है। राधे दादा एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे पूछताछ करता है। वह उसे बताता है कि दिलवार का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है। राधे दिलवार के इलाके में जाता है और उसे आदमियों को उसके बाहर लाने की धमकी देता है। दिलवार सहमत हो जाता है, लेकिन राधे दिलवार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलवार को दादा को एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहता है। राणा मंसूर के साथ मिलकर काम करता है और वह दिलवार को अपने पास फुसलाते हैं और राणा के उसके आदमी दिलवार को बिरहमी से चाकू मार देता है। बाद में राधे को पता चलता है कि दीवार दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश भयंकर की बहन है। अविनाश उसके रिश्ते को मंजूरी देता है। राणा उसे सचक दादा के गिरोह को संदेह को मार देता है। अगले 2 दिनों में राणा और ड्रग्स बेचता है। राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसे रक्षक एलाइड पिड्डी क्लब जैसी ही पुलिस आती है, वो भाग निकलते हैं। दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म राधे मंसूर को गिरफ्तार करता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे दगड़ों की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है। राणा बदला लेने के लिए दगड़ू को मार देता है। राधे को अक्षम मना जाता है और एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। राधे अविनाश की मदद से गुप्त रूप से अपना काम जारी रखता है। इस बीच राणा के एक गार्ड जिसे गिरफ्तार किया जाता है 2 पुलिस अधिकारियों से मिलता है।
वो एक सौदा करते हैं और अधिकारी गार्डों को भागने देंगे यदि वह उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता है और गार्ड सौदे को स्वीकार करता है। दोनों अधिकारियों के बारे में पता चलता है कि उन्हें राधे ने एक चाल के रूप में काम पर रखा था। रना का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है। राधे स्कूल के छात्रों की मदद लेता है और वो स्वीकार करते हैं। राना के गिरोह और जिन लोगों को वो ड्रग की आपूर्ति करते हैं उनकी तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। फिल्म राधे अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। निकाशा नाम की एक पुलिस अधिकारी राणा द्वारा पकड़ी जाती है। राणा उसे मारने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख नहीं पाता है। अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जो गिरफ्तार किए गए थे भाग जाता है और राधे उनमें से अधिकांश को और ड्रग का कारोबार शुरू करने की योजना बनाता है। राधे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और राणा और गार्ड से लड़ता है। उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। बात की जाए दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी अभिनेत्री की, तो इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों इस फिल्म में बहुत पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से अपने अभिनय की शुरुआत की और बायोपिक एमएस धोनी ऑन द टॉल्ड स्टोरी 2016 के साथ उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई, जो दोस्तों चिन्नी एक्शन कॉमेडी कुंग फू योग्गा 2017 में दिखाई देने के बाद पठानी ने बागी 2, 2018, भारत 2019, मंगल मलंग 2020 और कल्कि 1998 ईस्वी 2024 फिल्मों में अभिनय किया है। वह दोस्तों फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हो चुकी है। अभिनेत्री दिशा पटानी ने 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था। उन्होंने मौनी की भूमिका निभाई जो एक मजबूर शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी के एंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म 200 मिलियन के बजट पर बनी थी। 106 मिलियन के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खर्रा प्रदर्शन किया था। अगले वर्ष दिशा पटानी दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्र में दिखाई दी, जिसे भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने टी सीरीज के तहत निर्मित किया था। और दोस्तों मीत ब्रदर्स ने इसे संगीत वृद्ध किया था। मीत ब्रदर्स द्वारा लिखी और निर्देशित गायिका आदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म में दिशा पटानी को नीरज पांडे की एमएस धोनी अंडर टॉल स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक मिला है, जो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के जीवन की कहानी पर आधारित एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी।
उन्होंने दोस्तों MS धोनी के चरित्र की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई, जो एक कार दुर्घटना में मर जाती है। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी। और 1 से 26 एक से दोस्तों 2 से 16 करोड़ यानी US$26 मिलियन के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट, बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता, दोनों कहा कि दिशा पटानी ने अपनी पहली फिल्म में चमक दी है। इसके बाद दोस्तों अभिनेत्री दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में काम किया था, जो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर अभिनीत 2016 में फिल्म बागी की सीक्वल और बागी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है। फिल्म का डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म बागी 2 को 30 मार्च 2018 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया था, जिसमें दोस्तों इसके एक्शन दृश्य की प्रशंसा की गई थी। NDTV के सेवल चटर्जी ने लिखा, अभिनेत्री दिशा पटानी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन दोस्तों उन्हें केवल अपनी भूमिका के माध्यम से नींद में चलने की आवश्यकता है। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 258 करोड़ यानी US$31 मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। 2019 में दिशा पटानी, सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में कुछ समय के लिए दिखाई दी गई थी। भारत को रिलीज पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अपने जीवन काल में 325.58 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो दोस्तों एक व्यावसायिक सफलता थी। और उन्होंने मोहित सूरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म मलंग 2020 के साथ एक नए दशक की शुरुआत किया था, जिसमें आदित्य राय कपूर की अनिल कपूर और कुणाल खेमू ने सह अभिनय किया है। फिल्म को आलोचकों से इसके संगीत, एक्शन दृश्य, निर्देशक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखते हुए दिशा पटानी को शायद अब तक का सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है। वह बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को छू लेने वाली प्रदर्शन करती है। यह एफ और व्यवसाय माध्यम से व्यवसायिक सफलता थी। कैरियर में मंदी और बड़े पैमाने की परियोजनाएं 2021 की वर्तमान दिशा पटानी ने प्रभु देवा की राधे 2021 में सलमान खान के साथ प्रमुख महिला के रूप में फिर से काम किया था, जिसे COVID-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी हुई थी। फिल्म को ईद उल फितर के मौके पर ZEE5 के माध्यम से ZEE+ पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों फिल्म को OTT पर मजबूत दर्शक मिले, लेकिन इसे आलोचकों से और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। उन्होंने दोस्तों कहानी, पाठकथा, निर्देशन और VFX की आलोचना की है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने महत्वहीन चरित्र के लिए प्रतिक्रिया भी मिली है। पटानी ने मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ एक रिटेल सेल्स
गॉल की भूमिका निभाई है। फिल्म को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली है। एक साल की अनुपस्थिति के बाद पठानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारियत द 2024 में एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है, जो बहुत देरी से रिलीज हुई थी। द क्विंटन की प्रतिभा मिश्रा ने दिशा पटानी को एक संभावित एक्शन स्टार कहा, जबकि उनके लड़ाई अनुक्रम की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों कहा कि वह संवाद प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं। फिर भी फिल्म को व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया। दिशा पटानी को तेलुगु फिल्म कल्कि 1898 ई में सफलता मिली थी, जिसमें उनकी जोड़ी प्रभास के साथ बनी थी। उनका किरदार रॉकी रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में एक कार्यकर्ता है, जो दोस्तों भैरव को पहली बार अंदर ले जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी, जो 2020 के बाद दिशा पटानी की पहली फिल्म थी। 2024 में उनकी दो और रिलीज होने वाली फिल्म की उम्मीद है। पहली उनकी तमिल डेब्यू फिल्म कोवा कंगुवा है, जिसमें सूर्या के साथ काम किया जाएगा, जिसके बड़े बजट की पीरियड एपिक होने की उम्मीद है। वह कॉमेडी सीक्वल वेलकम। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी सलमान खान सर की मोस्ट वॉचड मूवी राधे मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा में बनी फिल्म राधे मूवी है, जिसे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग को बताएंगे फिल्म राधे मूवी से जुड़े न्यू रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात की जाए फिल्म राधे मूवी की, तो इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान, सुहेल खान, अतुल अग्निहोत्री जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को आखिरकार 13 मई 2021 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म भारत में G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रेमियर वीडियो वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में एक नाटक के रिलीज के साथ, हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों के समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों आज भी बहुत पसंद करते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यह फिल्म बहुत जल्द ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों आप देखकर एंजॉय उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान राधे के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अभिनेत्री दिया भयंकर के रूप में दिशा पटानी राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन का रोल निभाए है। वही अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म में राणा के रूप में है, जबकि जैकी श्रॉफ एपीसी क्राइम ब्रांच अनिवास भयंकर राधे की वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई सुधांशु पांडे दिलवार के रूप में दिखाई दिए हैं। मेगा आकाश निकिशा के रूप में है और भारत इंस्पेक्टर सर्वोस के रूप में, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी, गोविंद नामदेव संयुक्त संयुक्त संचालन आईजी रमेश पाटिल के रूप में प्रवीण तरडे और दगड़ू दादा फिल्म में
रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया कि प्रभुदेवा की दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे। और दोस्तों फिल्म ईद उल फितर यानी 22 मई 2020 को रिलीज किया गया था और इसे सेल्ड फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने का अटकल थी, लेकिन दोस्तों असर पर रिलीज होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वांटेड 2009 का सीक्वल था जिसका शीर्षक वांटेड 2 है, लेकिन दोस्तों फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। अक्टूबर 2019 में यह फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलॉस की आधिकारिक रीमेक होने की पुष्टि की गई थी, जो दोस्तों सियोल में चीनी कोरियाई गिरोह के बीच वास्तविक जीवन के गिरोह युद्ध पर आधारित है। 2019 में 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे के साथ ही यह पुष्टि की गई थी। 2020 की ईद रिलीज हुई थी। अभिनेत्री दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था। अभिनेत्री दिशा पटानी का भारत के बाद खान के साथ दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवास को फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म को अपने उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। खान ने कलाकारों और चालक दल के सदस्य के लिए सेट पर प्लान किए जाने वाले नए दिशा निर्देशक पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियर की मदद के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में शुरू हुआ था, जहां खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने विजुअल इफेक्ट्स पर 7.15 करोड़ खर्च किए थे। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई, जिसे तब कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि खान अपने फार्मा हाउस पर फिल्म के पोस्टर प्रोडक्शन पर काम करने कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्टर प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि अक्सर के निर्देशक के अनुसार सभी उत्पादक कार्य रोक दिए गए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ, जहां कुछ कैप्चर सीन और खान और पट्टानी पर आधारित एक गाना फिल्माया गया था। फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई थी। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का साउंडट्रैक साजिद वाजिद देवीश्री और देवीश्री प्रसाद हिमेश रेशमिया साजिद रचित है, जो गीत शब्बीर अहमद, साजिद खान और कृष्ण वर्मा द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का इसको संचित बलहार और अंकित बलहार द्वारा रचित है, जो राधे वाजिद खान की जोड़ी में मन पुराना काम किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म राधे की तो 13 मई 2021 को एक सीमित नाटक के विमोचन हुई और 21 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ था। यानी खान ने आगे घोषणा की थी कि फिल्म
सभी 40 सिनेमाघरों में और जीप्लेक्स G5 द्वारा पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियो पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत 449 प्रति व्यू बताई थी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं। यह फिल्म ऐसी बनी है कि इस फिल्म को दर्शकों ऑल टाइम भी देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिसमें जितनी कहूँ उतनी बढ़ाई है। फिल्म की बजट मात्र दोस्तों इस फिल्म की बजट 90 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है राधे। फिल्म की रनर टाइम 1 से 9 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। 13 मई 2021 को रिलीज हुई फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत प्यार करते हैं। फिल्म की कहानी की ओर थोड़ा नजर डाले तो दोस्तों फिल्म की कथानक रना एक क्रू गैंगस्टर ड्रग्स का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। वह एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उससे उधार लिए पैसे नहीं लौटाए। वह आदमी मंसूर भाई का साथी है। राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को ड्रग बेचने शुरू कर देता है। इसके कारण नशे की लत के कारण 3 महीने में 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई पुलिस राणा के रोकने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ देकर मात्रा दिया जाता है। पुलिस बल मामले को सुलझाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है। वह नौकरी स्वीकार करता है और राधे एक मॉडल दिया यानी भयंकर से मिलता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों राधे उसे बताता है कि एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है। दिया धीरे धीरे राधे से प्यार करने लगती है। राधे को साथी अधिकारियों से पता चलता है राधे दादा सहित दगडू दादा की गिरोह के सभी लोगों को हरा देता है। राधे दादा एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे पूछताछ करता है। वह उसे बताता है कि दिलवार का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है। राधे दिलवार के इलाके में जाता है और उसे आदमियों को उसके बाहर लाने की धमकी देता है। दिलवार सहमत हो जाता है, लेकिन राधे दिलवार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलवार को दादा को एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहता है। राणा मंसूर के साथ मिलकर काम करता है और वह दिलवार को अपने पास फुसलाते हैं और राणा के उसके आदमी दिलवार को बेरहमी से चाकू मार देता है। बाद में राधे को पता चलता है कि दीवार दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश भयंकर की बहन है। अविनाश उसके रिश्ते को मंजूरी देता है। राणा उसे सचक दादा के गिरोह को संदेह को मार देता है। अगले 2 दिनों में राणा और ड्रग्स बेचता है। राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसे रक्षक एलाइड पिड्डी क्लब जैसी ही पुलिस आती है, वो भाग निकलते हैं। दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म राधे
मंसूर को गिरफ्तार करता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे दगड़ों की मदद से रना के गार्डों की पिटाई करता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और रना को सूचित करता है। रना बदला लेने के लिए दगड़ू को मार देता है। राधे को अक्षम मना जाता है और एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। राधे अविनाश की मदद से गुप्त रूप से अपना काम जारी रखता है। इसी बीच राणा के एक गार्ड जी से गिरफ्तार किया जाता है। दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वो एक सौदा करते हैं और अधिकारी गार्डों को भागाने देंगे यदि वह उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता है, और गार्ड सौदे को स्वीकार करता है। दोनों अधिकारियों के बारे में पता चलता है कि उन्हें राधे ने एक चाल के रूप में काम पर रखा था। रना का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है। राधे स्कूल के छात्रों की मदद लेता है और वो स्वीकार करते हैं। राणा के गिरोह और जिन लोगों को वो ड्रग की आपूर्ति करते हैं उनकी तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। फिल्म राधे अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। निकाशा नाम की एक पुलिस अधिकारी राणा द्वारा पकड़ी जाती है। राणा उसे मारने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख नहीं पाता है। अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जो गिरफ्तार किए गए थे भाग जाता है और राधे उनमें से अधिकांश को और ड्रग का कारोबार शुरू करने की योजना बनाता है। राधे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और राणा और गार्ड से लड़ता है। उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। बात की जाए दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी अभिनेत्री की, तो इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों इस फिल्म में बहुत पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से अपने अभिनय की शुरुआत की और बायोपिक एमएस धोनी ऑन द टॉल स्टोरी 2016 के साथ उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई। जो दोस्तों चिन्नी एक्शन कॉमेडी कुंग फू योग्गा 2017 में दिखाई देने के बाद पठानी ने बागी 2 2018, भारत 2019, मंगल मलंग 2020 और कल्कि 1998 ईस्वी 2024 फिल्मों में अभिनय किया है। वह दोस्तों फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हो चुकी है। अभिनेत्री दिशा पटानी ने 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था। उन्होंने मौनी की भूमिका निभाई, जो एक मजबूर शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी के एंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म 200 मिलियन के बजट पर बनी थी। 106 मिलियन के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खर्रा प्रदर्शन किया था। अगले वर्ष दिशा पटानी दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्री में दिखाई दी
जिसे भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने टी सीरीज के तहत निर्मित किया था। और दोस्तों मिट ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया था। मिट ब्रदर्स द्वारा लिखी और निर्देशित, गायिका आदित्य सिंह शर्मा ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म में दिशा पटानी को नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडरटॉल स्टोरी के साथ अपना व्यावसायिक ब्रेक मिला है, जो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के जीवन की कहानी पर आधारित एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी। उन्होंने दोस्तों एम एस धोनी के चरित्र की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई, जो एक कार दुर्घटना में मर जाती है। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी और 16 करोड़ यानी US$26 मिलियन के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता दोनों कहा कि दिशा पटानी ने अपनी पहली फिल्म में चमक दी है। इसके बाद दोस्तों अभिनेत्री दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में काम किया था, जो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर अभिनीत 2016 में फिल्म बागी की सीक्वल और बागी फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त है। फिल्म का डायरेक्टर साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म बागी 2 को 30 मार्च 2018 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया था, जिसमें दोस्तों इसके एक्शन दृश्य की प्रशंसा की गई थी। NDTV के सेवल चटर्जी ने लिखा, अभिनेत्री दिशा पटानी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन दोस्तों उन्हें केवल अपनी भूमिका के माध्यम से नींद में चलने की आवश्यकता है। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 258 करोड़ यानी US$31 मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। 2019 में दिशा पटानी सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में कुछ समय के लिए दिखाई दी गई थी। भारत को रिलीज पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अपने जीवन काल में 325.58 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो दोस्तों एक व्यावसायिक सफलता थी। और उन्होंने मोहित सूरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म मलंग 2020 के साथ एक नए दशक की शुरुआत किया था, जिसमें आदित्य राय कपूर की अनिल कपूर और कुणाल खेमू ने सह अभिनय किया है। फिल्म को आलोचकों से इसके संगीत, एक्शन दृश्य, निर्देशक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखते हुए दिशा पटानी को शायद अब तक का सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है। वह बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन करती है। यह एफ और व्यवसाय माध्यम से व्यवसायिक सफलता थी। कैरियर में मंदी और बड़े पैमाने की परियोजनाएं 2021 की वर्तमान दिशा पटानी ने प्रभु देवा की राधे, 2021 में सलमान खान के साथ प्रमुख महिला के रूप में फिर से काम किया था, जिसे COVID-19 महामारी के कारण एक साल की देरी हुई थी। फिल्म को ईद उल फितर के मौके पर G5 के
माध्यम से जी फ्लैक्स पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों फिल्म को ओटीटी पर मजबूत दर्शक मिले, लेकिन इसे आलोचकों से और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। उन्होंने दोस्तों कहानी पाठकथा निर्देशन और वीएफएक्स की आलोचना की है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने महत्वहीन चरित्र के लिए प्रतिक्रिया भी मिली है। पटानी ने मोहित सूर्य की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ एक रिटेल सेल्स गर्ल की भूमिका निभाई है। फिल्म को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली है। एक साल की अनुपस्थिति के बाद पटानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारियत 2024 में एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है, जो बहुत देरी से रिलीज हुई थी। द क्विटन की प्रतिभा मिश्रा ने दिशा पटानी को एक संभावित एक्शन स्टार कहा, जबकि उनके लड़ाई अनुक्रम की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों कहा कि वह स्वाद प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं। फिर भी फिल्म को व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया। दिशा पटानी को तेलुगु फिल्म कल की 2898 में सफलता मिली थी, जिसमें उनकी जोड़ी प्रभास के साथ बनी थी। उनका किरदार रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में एक कार्यकर्ता है, जो दोस्तों भैरव को पहली बार अंदर ले जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी, जो 2020 के बाद दिशा पटानी की पहली फिल्म थी। 2024 में उनकी दो और रिलीज होने वाली फिल्म की उम्मीद है। पहले उनकी तमिल डेब्यू फिल्म कोवा कंगुवा है, जिसमें सूर्या के साथ काम किया जाएगा, जिसके बड़े बजट की पीरियड एपिक होने की उम्मीद है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी सलमान खान सर की मोस्ट वांटेड मूवी राधे मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा में बनी फिल्म राधे मूवी है, जिसे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बतलाएंगे फिल्म राधे मूवी से जुड़े न्यू रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात की जाए फिल्म राधे मूवी की, तो इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान, सुहेल खान, अतुल अग्निहोत्री जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को आखिरकार 13 मई 2021 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म भारत में G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में एक नाटक के रिलीज के साथ, हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों के समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों आज भी बहुत पसंद करते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यह फिल्म बहुत जल्द ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों आप देखकर एंजॉय उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान,
राधे के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अभिनेत्री दिया भयंकर के रूप में दिशा पटानी राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन का रोल निभाए हैं। वही अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म में राणा के रूप में हैं, जबकि जैकी श्रॉफ एपीसी क्राइम ब्रांच अनिवास भयंकर राधे की वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई सुधांशु पांडे दिलवार के रूप में दिखाए दिए हैं। मेगा आकाश निकिशा के रूप में हैं और भारत इंस्पेक्टर सर्वोस के रूप में गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी गोविंद नामदेव संयुक्त संयुक्त संचालन आईजी रमेश पाटिल के रूप में प्रवीण तरडे और दगड़ू दादा फिल्म में रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया कि प्रभुदेवा की दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे। और दोस्तों फिल्म ईद उल फितर यानी 22 मई 2020 को रिलीज किया गया था और इसे सेल्ड फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने का अटकल थी, लेकिन दोस्तों असर पर रिलीज होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वांटेड 2009 का सीक्वल था जिसका शीर्षक वांटेड 2 है, लेकिन दोस्तों फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। अक्टूबर 2019 में यह फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलॉज की आधिकारिक रीमेक होने की पुष्टि की गई थी, जो दोस्तों सियोल में चीनी कोरियाई गिरोह के बीच वास्तविक जीवन के गिरोह युद्ध पर आधारित है। 2019 में 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे के साथ ही यह पुष्टि की गई थी। 2020 की ईद रिलीज हुई थी। अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था। अभिनेत्री दिशा पटानी का भारत के बाद खान के साथ दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवास को फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म को अपने उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। खान ने कलाकारों और चालक दल के सदस्य के लिए सेट पर प्लान किए जाने वाले नए दिशा निर्देशक पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियर की मदद के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में शुरू हुआ था, जहां खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने विजुअल इफेक्ट्स पर 7.15 करोड़ खर्च किए थे। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई, जिसे तब कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि खान अपने फार्मा हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि अक्सर के निर्देशक के अनुसार सभी उत्पादक कार्य रोक दिए गए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ, जहां कुछ कैप्चर सीन और खान और पट्टानी पर आधारित एक गाना फिल्माया गया था।
फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को ख़त्म हो गई थी। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का साउंडट्रैक साजिद वाजिद देवीश्री और देवीश्रेष्ठ प्रसाद हिमेश रेशमिया साजिद रचित है, जो गीत शब्बीर अहमद साजिद खान और कृष्ण वर्मा द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का इसको संचित बलहार और अंकित बलहार द्वारा रचित है, जो राधे वाजिद खान की जोड़ी में मन पुराना काम किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म राधे की तो 13 मई 2021 को एक सीमित नाटक के विमोचन हुई और 21 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ था। यानी खान ने आगे घोषणा की थी कि फिल्म सभी 40 सिनेमा घरों में और जीप्लेक्स G5 द्वारा पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियो पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत 449 प्रति व्यू बताई थी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं। यह फिल्म ऐसी बनी है कि इस फिल्म को दर्शकों ऑल टाइम भी देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिसमें जितनी कहूँ उतनी बढ़ाई है। फिल्म की बजट मात्र दोस्तों इस फिल्म की बजट 90 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है राधे। फिल्म की रन टाइम 1 से 9 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। 13 मई 2021 को रिलीज हुई फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत प्यार करते हैं। फिल्म की कहानी की ओर थोड़ा नजर डाले तो दोस्तों फिल्म की खतरनाक रौना एक क्रू गैंगस्टर ड्रग्स का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। वह एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उससे उधार लिए पैसे नहीं लौटाए। वह आदमी मंसूर भाई का साथी है। राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को ड्रग बेचने शुरू कर देता है। इसके कारण नशे की लत के कारण 3 महीने में 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई पुलिस राणा के रोकने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ देकर मात्रा दिया जाता है। पुलिस बल मामले को सुलझाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है। वह नौकरी स्वीकार करता है और राधे एक मॉडल दिया यानी भयंकर से मिलता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों राधे उसे बताता है कि एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है। दिया धीरे धीरे राधे से प्यार करने लगती है। राधे को साथी अधिकारियों से पता चलता है राधे दादा सहित दगडू दादा की गिरोह के सभी लोगों को हरा देता है। राधे दादा एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे पूछताछ करता है। वह उसे बताता है कि दिलवार का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है। राधे दिलवार के इलाके में जाता है और उसे आदमियों को उसके बाहर लाने की धमकी देता है। दिलवार सहमत हो जाता है, लेकिन राधे दिलवार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलवार को दादा को एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहता है। राणा मंसूर के साथ मिलकर काम करता है और वह दिलवार को अपने पास फुसलाते हैं और राणा के उसके आदमी दिलवार को बेरहमी से चाकू मार देता है। बाद में राधे को पता चलता है कि दीवार
दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश बैंकर की बहन है। अविनाश उसके रिश्ते को मंजूरी देता है। राणा उसे सचक दादा के गिरोह को संदेह को मार देता है। अगले 2 दिनों में राणा और ड्रग्स बेचता है। राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसे रक्षक एलाइड पिड्डी क्लब जैसी ही पुलिस आती है, वो भाग निकलते हैं। दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और वह उसे अपने प्यार का इजहार कर दी है। फिल्म राधे मंसूर को गिरफ्तार करता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे दगड़ों की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है। राणा बदला लेने के लिए दगड़ू को मार देता है। राधे को अक्षम मना जाता है और एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। राधे अविनाश की मदद से गुप्त रूप से अपना काम जारी रखता है। इस बीच राणा के एक गार्ड जिसे गिरफ्तार किया जाता है 2 पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वो एक सौदा करते हैं और अधिकारी गार्डों को भागने देंगे यदि वह उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता है और गार्ड सौदे को स्वीकार करता है। दोनों अधिकारियों के बारे में पता चलता है कि उन्हें राधे ने एक चाल के रूप में काम पर रखा था। राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है। राधे स्कूल के छात्रों की मदद लेता है और वो स्वीकार करते हैं राणा के गिरोह और जिन लोगों को वो ड्रग की आपूर्ति करते हैं उनकी तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। फिल्म राधे अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। निकाशा नाम की एक पुलिस अधिकारी राणा द्वारा पकड़ी जाती है। राणा उसे मारने वाला होता है। लेकिन दोस्तों राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख नहीं पाता है। अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जो गिरफ्तार किए गए थे भाग जाता है और राधे उनमें से अधिकांश को और ड्रग का कारोबार शुरू करने की योजना बनाता है। राधे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और राणा और गार्ड से लड़ता है। उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी अभिनेत्री की, तो इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों इस फिल्म में बहुत पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से अपने अभिनय की शुरुआत की और बायोपिक एमएस धोनी ऑन द टॉल्ड स्टोरी 2016 के साथ उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई। जो दोस्तों चिन्नी एक्शन कॉमेडी कुंग फू योगा 2017 में दिखाई देने के बाद पठानी ने बागी 2 2018, भारत 2019, मंगल मलंग 2020 और कल की 2898 ईस्वी 2024 फिल्मों में अभिनय किया है। वह दोस्तों फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हो चुकी है।
अभिनेत्री दिशा पटानी ने 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था। उन्होंने मौनी की भूमिका निभाई जो एक मजबूर शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी के एंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म 200 मिलियन के बजट पर बनी थी। 106 मिलियन के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। अगले वर्ष दिशा पटानी दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्र में दिखाई दी, जिसे भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने टी सीरीज के तहत निर्मित किया था। और दोस्तों मित ब्रदर्स ने इसे संगीत वृद्ध किया था। मित ब्रदर्स द्वारा लिखी और निर्देशित गायिका आदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म में दिशा पटानी को नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडरटॉल स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक मिला है, जो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के जीवन की कहानी पर आधारित एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी। उन्होंने दोस्तों एम एस धोनी के चरित्र की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई, जो एक कार दुर्घटना में मर जाती है। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी। और 16 करोड़ यानी 26 मिलियन के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता दोनों कहा कि दिशा पटानी ने अपनी पहली फिल्म में चमक दी है। इसके बाद दोस्तों अभिनेत्री दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में काम किया था, जो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर अभिनीत 2016 में फिल्म बागी की सीक्वल और बागी फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त है। फिल्म का डायरेक्टर साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म बागी 2 को 30 मार्च 2018 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया था, जिसमें दोस्तों इसके एक्शन दृश्य की प्रशंसा की गई थी। एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने लिखा, अभिनेत्री दिशा पटानी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन दोस्तों उन्हें केवल अपनी भूमिका के माध्यम से नींद में चलने की आवश्यकता है। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 258 करोड़ यानी US$31 मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। 2019 में दिशा पटानी सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में कुछ समय के लिए दिखाई दी गई थी। भारत को रिलीज पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अपने जीवन काल में 325.58 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो दोस्तों एक व्यावसायिक सफलता थी। और उन्होंने मोहित सूरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म मलंग 2020 के साथ एक नए दशक की शुरुआत किया था, जिसमें आदित्य राय कपूर की अनिल कपूर और कुणाल खेमू ने सह अभिनय किया है। फिल्म को आलोचकों से इसके संगीत, एक्शन दृश्य, निर्देशक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखते हुए दिशा पटानी को शायद अब तक का सबसे अधिक
स्क्रीन समय मिलता है। वह बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को छू लेने वाली प्रदर्शन करती है। यह एप और व्यवसाय माध्यम से व्यवसायिक सफलता थी। करियर में मंदी और बड़े पैमाने की परियोजनाएं 2021 की वर्तमान दिशा पटानी ने प्रभु देवा की राधे 2021 में सलमान खान के साथ प्रमुख महिला के रूप में फिर से काम किया था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी हुई थी। फिल्म को ईद उल फितर के मौके पर G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों फिल्म को OTT पर मजबूत दर्शक मिले, लेकिन इसे आलोचकों से और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। उन्होंने दोस्तों कहानी पाठकथा निर्देशन और VFX की आलोचना की है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने महत्वहीन चरित्र के लिए प्रतिक्रिया भी मिली है। पटानी ने मोहित सूर्य की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ एक रिटेल सेल्स गर्ल की भूमिका निभाई है। फिल्म को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली है। एक साल की अनुपस्थिति के बाद पटानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारियत 2024 में एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है, जो बहुत देरी से रिलीज हुई थी। द क्विटन की प्रतिभा मिश्रा ने दिशा पटानी को एक संभावित एक्शन स्टार कहा, जबकि उनके लड़ाई अनुक्रम की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों कहा कि वह स्वाद प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं। फिर भी फिल्म को व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया। दिशा पटानी को तेलुगु फिल्म कल की 2898 ई में सफलता मिली थी, जिसमें उनकी जोड़ी प्रभास के साथ बनी थी। उनका किरदार रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में एक कार्यकर्ता है, जो दोस्तों भैरव को पहली बार अंदर ले जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी, जो 2020 के बाद दिशा पटानी की पहली फिल्म थी। 2024 में उनकी दो और रिलीज होने वाली फिल्म की उम्मीद है। पहले उनकी तमिल डेब्यू फिल्म कोवा कंगुवा है, जिसमें सूर्या के साथ काम किया जाएगा, जिसके बड़े बजट की पीरियड एपिक होने की उम्मीद। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी सलमान खान सर की मोस्ट आउटेड मूवी राधे मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, हिंदी भाषा में बनी फिल्म राधे मूवी है, जिसे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे, और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग को बतलाएंगे फिल्म राधे मूवी से जुड़े न्यू रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात की जाए फिल्म राधे मूवी की, तो इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान, सुहैल खान, अतुल अग्निहोत्री जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को आखिरकार 13 मई 2021 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म भारत में G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रीमियर वीडियो
वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में एक नाटक के रिलीज के साथ, हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों के समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों आज भी बहुत पसंद करते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग की इंतजार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यह फिल्म बहुत जल्द ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों आप देखकर एंजॉय उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान राधे के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अभिनेत्री दिया भयंकर के रूप में दिशा पटानी राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन का रोल निभाए है। वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म में राणा के रूप में हैं, जबकि जैकी श्रॉफ एपीसी क्राइम ब्रांच अनिवास भयंकर राधे की वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई सुधांशु पांडे दिलवार के रूप में दिखाई दिए हैं। मेगा आकाश निकिसा के रूप में हैं और भारत इंस्पेक्टर सर्वोस के रूप में, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी, गोविंद नामदेव संयुक्त संचालन आईजी रमेश पाटिल के रूप में प्रवीण तरडे और दगड़ू दादा फिल्म में रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों, राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया कि प्रभुदेवा की दबंग 3 को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे। और दोस्तों, फिल्म ईद उल फितर यानी 22 मई 2020 को रिलीज किया गया था और इसे सेल्ड फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने का अटकल थी, लेकिन दोस्तों असर पर रिलीज होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वांटेड 2009 का सीक्वल था, जिसका शीर्षक वांटेड 2 है, लेकिन दोस्तों फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। अक्टूबर 2019 में यह फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलॉज की आधिकारिक रीमेक होने की पुष्टि की गई थी, जो दोस्तों सियोल में चीनी कोरियाई गिरोह के बीच वास्तविक जीवन के गिरोह युद्ध पर आधारित है। 2019 में 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे के साथ ही यह पुष्टि की गई थी। 2020 की ईद रिलीज हुई थी। अभिनेत्री दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था। अभिनेत्री दिशा पटानी का भारत के बाद खान के साथ दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवास को फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म को अपने उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। खान ने कलाकारों और चालक दल के सदस्य के लिए सेट पर प्लान किए जाने वाले नए दिशा निर्देशक पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियर की मदद के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में शुरू हुआ था, जहां खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने विजुअल इफेक्ट्स पर 7.15 करोड़ खर्च किए थे। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी।
लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई जिसे तब कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कई योजना नहीं थी, क्योंकि अक्सर के निर्देशक के अनुसार सभी उत्पादक कार्य रोक दिए गए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ, जहां कुछ कैप्चर सीन और खान और पठानी पर आधारित एक गाना फिल्माया गया था। फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई थी। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का साउंड ट्रैक साजिद वाजिद देवीश्री और देवीश्री प्रसाद हिमेश रेशमिया साजिद रचित है, जो गीत शब्बीर अहमद, साजिद खान और कृष्णा वर्मा द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का स्कोर संचित बलहार और अंकित बलहार द्वारा रचित है, जो राधे वाजिद खान की जोड़ी में मन पुराना काम किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म राधे की तो 13 मई 2021 को एक सीमित नाटक के विमोचन हुई और 21 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ था। यानी खान ने आगे घोषणा की थी कि फिल्म सभी 40 सिनेमा घरों में और जीप्लेक्स G5 द्वारा पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियो पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत 449 प्रति व्यू बताई थी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं। यह फिल्म ऐसी बनी है कि इस फिल्म को दर्शकों ऑल टाइम भी देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिसमें जितनी कहूँ उतनी बढ़ाई है। फिल्म की बजट मात्र दोस्तों इस फिल्म की बजट 90 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है राधे। फिल्म की रनर टाइम 1 से 9 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। 13 मई 2021 को रिलीज हुई फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत प्यार करते हैं। फिल्म की कहानी की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों फिल्म की खतरनाक रना एक क्रू गैंगस्टर ड्रग्स का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। वह एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उससे उधार लिए पैसे नहीं लौटाए। वह आदमी मंसूर भाई का साथी है। राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को ड्रग बेचने शुरू कर देता है। इसके कारण नशे की लत के कारण 3 महीने में 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई पुलिस राणा के रोकने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ देकर मात्रा दिया जाता है। पुलिस बल मामले को सुलझाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है। वह नौकरी स्वीकार करता है और राधे एक मॉडल दिया यानी भयंकर से मिलता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों राधे उसे बताता है कि एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है। दिया धीरे धीरे राधे से प्यार करने लगती है। राधे को साथी अधिकारियों से पता चलता है राधे दादा सहित दगडू दादा की गिरोह के सभी लोगों को हरा देता है। राधे दादा एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे पूछताछ करता है। वह उसे बताता है कि दिलवार
का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है। राधे दिलवार के इलाके में जाता है और उसे आदमियों को उसके बाहर लाने की धमकी देता है। दिलवार सहमत हो जाता है लेकिन राधे दिलवार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलवार को दादा को एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहता है। राणा मंसूर के साथ मिलकर काम करता है और वह दिलवार को अपने पास फुसलाते हैं और राणा के उसके आदमी दिलवार को बिरहमी से चाकू मार देता है। बाद में राधे को पता चलता है कि दीवार दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश भयंकर की बहन है। अविनाश उसके रिश्ते को मंजूरी देता है। राणा उसे सचक दादा के गिरोह को संदेह को मार देता है। अगले दो दिनों में राणा और ड्रग्स बेचता है। राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसे रक्षक एलाइड पिड्डी क्लब जैसी ही पुलिस आती है, वो भाग निकलते हैं। दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म राधे मंसूर को गिरफ्तार करता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे दगड़ों की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है। राणा बदला लेने के लिए दगड़ू को मार देता है। राधे को अक्षम मना जाता है और एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। राधे अविनाश की मदद से गुप्त रूप से अपना काम जारी रखता है। इस बीच राणा के एक गार्ड जिसे गिरफ्तार किया जाता है दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वो एक सौदा करते हैं और अधिकारी गार्डों को भागने देंगे यदि वह उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता है और गार्ड सौदे को स्वीकार करता है। दोनों अधिकारियों के बारे में पता चलता है कि उन्हें राधे ने एक चाल के रूप में काम पर रखा था। राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है। राधे स्कूल के छात्रों की मदद लेता है और वो स्वीकार करते हैं। राणा के गिरोह और जिन लोगों को वो ड्रग की आपूर्ति करते हैं उनकी तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। फिल्म राधे अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। निकाशा नाम की एक पुलिस अधिकारी राणा द्वारा पकड़ी जाती है। राणा उसे मारने वाला होता है। लेकिन दोस्तों राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख नहीं पाता है। अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जो गिरफ्तार किए गए थे भाग जाता है और राधे उनमें से अधिकांश को और ड्रग का कारोबार शुरू करने की योजना बनाता है। राधे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और राणा और गार्ड से लड़ता है। उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी अभिनेत्री की तो इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों इस फिल्म में बहुत पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से
हिंदी फिल्मों में काम करती है। तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से अपने अभिनय की शुरुआत की और बायोपिक एम एस धोनी ऑन द टॉल्ड स्टोरी 2016 के साथ उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई। जो दोस्तों चिन्नी एक्शन कॉमेडी कुंग फू योगा 2017 में दिखाई देने के बाद पठानी ने बागी 2 2018, भारत 2019, मंगल मलंग 2020 और कल की 2898 ईस्वी 2024 फिल्मों में अभिनय किया है। वह दोस्तों फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हो चुकी है। अभिनेत्री दिशा पटानी ने 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था। उन्होंने मौनी की भूमिका निभाई जो एक मजबूर शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती है। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी के एंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म 200 मिलियन के बजट पर बनी थी। 106 मिलियन के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। अगले वर्ष दिशा पटानी दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्र में दिखाई दी, जिसे भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने टी सीरीज के तहत निर्मित किया था। और दोस्तों मीत ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया था। मीत ब्रदर्स द्वारा लिखी और निर्देशित गायिका आदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म में दिशा पटानी को नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टॉल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक मिला है। जो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के जीवन की कहानी पर आधारित एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी। उन्होंने दोस्तों एम एस धोनी के चरित्र की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई जो एक कार दुर्घटना में मर जाती है। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी और 216 करोड़ यानी 26 मिलियन के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता दोनों कहा कि दिशा पटानी ने अपनी पहली फिल्म में चमक दी है। इसके बाद दोस्तों अभिनेत्री दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 में काम किया था, जो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर अभिनीत 2016 में फिल्म बागी की सीक्वल और बागी फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त है। फिल्म का डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म बागी 2 को 30 मार्च 2018 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया था, जिसमें दोस्तों इसके एक्शन दृश्य की प्रशंसा की गई थी। एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने लिखा, अभिनेत्री दिशा पटानी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन दोस्तों उन्हें केवल अपनी भूमिका के माध्यम से नींद में चलने की आवश्यकता है। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 258 करोड़ यानी US$31 मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। 2019 में दिशा पटानी सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में कुछ समय के लिए दिखाई दी गई थी।
भारत को रिलीज पर अलोस्को से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अपने जीवन काल में 325.58 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो दोस्तों एक व्यावसायिक सफलता थी। और उन्होंने मोहित सूरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म मलंग 2020 के साथ एक नए दशक की शुरुआत किया था, जिसमें आदित्य राय कपूर की अनिल कपूर और कुणाल खेमू ने सह अभिनय किया है। फिल्म को आलोचकों से इसके संगीत, एक्शन दृश्य, निर्देशक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखते हुए दिशा पटानी को शायद अब तक का सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है। वह बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन करती है। यह एफ और व्यवसाय माध्यम से व्यवसायिक सफलता थी। करियर में मंदी और बड़े पैमाने की परियोजनाएं। 2021 की वर्तमान दिशा पटानी ने प्रभुदेवा की राधे, 2021 में सलमान खान के साथ प्रमुख महिला के रूप में फिर से काम किया था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी हुई थी। फिल्म को ईद उल फितर के मौके पर G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों फिल्म को OTT पर मजबूत दर्शक मिले, लेकिन इसे आलोचकों से और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। उन्होंने दोस्तों कहानी, पाठकथा, निर्देशन और VFX की आलोचना की है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने महत्वहीन चरित्र के लिए प्रतिक्रिया भी मिली है। पटानी ने मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ एक रिटेल सेल्स गर्ल की भूमिका निभाई है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। एक साल की अनुपस्थिति के बाद पटानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारियत 2024 में एयर होस्टेस के रूप में प्रशिक्षण एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है, जो बहुत देरी से रिलीज हुई थी। द क्विंटन की प्रतिभा मिश्रा ने दिशा पटानी को एक संभावित एक्शन स्टार कहा, जबकि उनके लड़ाई अनुक्रम की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों कहा कि वह स्वाद प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं। फिर भी फिल्म को व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया। दिशा पटानी को तेलुगु फिल्म कल की 2898 में सफलता मिली थी, जिसमें उनकी जोड़ी प्रभास के साथ बनी थी। उनका किरदार रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में एक कार्यकर्ता है, जो दोस्तों भैरव को पहली बार अंदर ले जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी, जो 2020 के बाद दिशा पटानी की पहली फिल्म थी। 2024 में उनकी दो और रिलीज होने वाली फिल्म की उम्मीद है। पहले उनकी तमिल डेब्यू फिल्म कोवा कंगोवा है, जिसमें सूर्या के साथ काम किया जाएगा, जिसके बड़े बजट की पीरियड एपिक होने की उम्मीद है। वह कॉमेडी सीक्वल वेल। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी सलमान खान सर की मोस्ट वॉचेड मूवी राधे मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, हिंदी भाषा में बनी फिल्म राधे मूवी है, जिसे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग को बतलाएंगे फिल्म
राधे मूवी से जुड़े न्यू रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात की जाए फिल्म राधे मूवी की तो इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान, सुहैल खान, अतुल अग्निहोत्री जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटक के रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को आखिरकार 13 मई 2021 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म भारत में G5 के माध्यम से G-Plex पर प्रीमियर वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में एक नाटक के रिलीज के साथ, हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों आज भी बहुत पसंद करते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यह फिल्म बहुत जल्द ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दोस्तों आप देखकर एंजॉय उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान राधे के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अभिनेत्री दिया भयंकर के रूप में दिशा पटानी राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन का रोल निभाए है। वही अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म में राणा के रूप में हैं, जबकि जैकी श्रॉफ एपीसी क्राइम ब्रांच अनिवास भयंकर राधे की वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई सुधांशु पांडे दिलवार के रूप में दिखाई दिए हैं। मेगा आकाश निकिसा के रूप में है और भारत इंस्पेक्टर सर्वोस के रूप में, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी, गोविंद नामदेव संयुक्त संचालन आईजी रमेश पाटिल के रूप में प्रवीण तरडे और दगड़ू दादा फिल्म में रोल निभाए हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया कि प्रभुदेवा की दबंग 3 को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे। और दोस्तों फिल्म ईद उल फितर यानी 22 मई 2020 को रिलीज किया गया था और इसे सेल्ड फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने का अटकल थी, लेकिन दोस्तों असर पर रिलीज होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वांटेड 2009 का सीक्वल था जिसका शीर्षक वांटेड 2 है, लेकिन दोस्तों फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। अक्टूबर 2019 में यह फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलॉस की आधिकारिक रीमेक होने की पुष्टि की गई थी, जो दोस्तों सियोल में चीनी कोरियाई गिरोह के बीच वास्तविक जीवन के गिरोह युद्ध पर आधारित है। 2019 में 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे के साथ ही यह पुष्टि की गई थी। 2020 की ईद रिलीज हुई थी। अभिनेत्री दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था। अभिनेत्री दिशा पटानी का भारत के बाद खान के साथ दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवास को फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म को अपने उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था।
खान ने कलाकारों और चालक दल के सदस्य के लिए सेट पर प्लान किए जाने वाले नए दिशा निर्देशक पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियर की मदद के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में शुरू हुआ था, जहां खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्म आए गए हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने विजुअल इफेक्ट्स पर 7.15 करोड़ खर्च किए थे। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई, जिसे तब कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था। बताया गया कि खान अपने फार्मा हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कई योजना नहीं थी, क्योंकि अक्सर के निर्देशक के अनुसार सभी उत्पादक कार्य रोक दिए गए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ, जहां कुछ पिक्चर सीन और खान और पठानी पर आधारित एक गाना फिल्माया गया था। फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई थी। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का साउंडट्रैक साजिद वाजिद देवीश्री और देवीश्री प्रसाद हिमेश रेशमिया साजिद रचित है, जो गीत शब्बीर अहमद, साजिद खान और कृष्णा वर्मा द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का स्कोर संचित बलहार और अंकित बलहार द्वारा रचित है, जो राधे वाजिद खान की जोड़ी में मन पुराना काम किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म राधे की, तो 13 मई 2021 को एक सीमित नाटक का विमोचन हुई और 21 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ था। यानी खान ने आगे घोषणा की थी कि फिल्म सभी चालू सिनेमाघरों में और जीप्लेक्स G5 द्वारा पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग वीडियो पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत 449 प्रति व्यू बताई थी। फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं। यह फिल्म ऐसी बनी है कि इस फिल्म को दर्शकों ऑल टाइम भी देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, जिसमें जितनी कहूँ उतनी बढ़ाई है। फिल्म की बजट मात्र दोस्तों इस फिल्म की बजट 90 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है राधे। फिल्म की रनर टाइम 1 से 9 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी। 13 मई 2021 को रिलीज हुई फिल्म राधे यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत प्यार करते हैं। फिल्म की कहानी की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों फिल्म की खतरनाक रना एक क्रू गैंगस्टर ड्रग्स का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। वह एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उससे उधार लिए पैसे नहीं लौटाए। वह आदमी मंसूर भाई का साथी है। राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को ड्रग बेचने शुरू कर देता है। इसके कारण नशे की लत के कारण 3 महीने में 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुंबई पुलिस राणा के रोकने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ देकर मात्रा दिया जाता है। पुलिस बल मामले को सुलझाने के लिए एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है।
वह नौकरी स्वीकार करता है और राधे एक मॉडल दिया यानी भयंकर से मिलता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों राधे उसे बताता है कि एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है। दिया धीरे धीरे राधे से प्यार करने लगती है। राधे को साथी अधिकारियों से पता चलता है राधे दादा सहित दगडू दादा की गिरोह के सभी लोगों को हरा देता है। राधे दादा एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे पूछताछ करता है। वह उसे बताता है कि दिलबार का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है। राधे दिलबार के इलाके में जाता है और उसे आदमियों को उसके बाहर लाने की धमकी देता है। दिलबार सहमत हो जाता है लेकिन राधे दिलबार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलबार को दादा को एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहता है। राणा मंसूर के साथ मिलकर काम करता है और वह दिलबार को अपने पास फुसलाते हैं और राणा के उसके आदमी दिलवार को बेरहमी से चाकू मार देता है। बाद में राधे को पता चलता है कि दीवार दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश भयंकर की बहन है। अविनाश उसके रिश्ते को मंजूरी देता है। राणा उसे सचक दादा के गिरोह को संदेह को मार देता है। अगले 2 दिनों में राणा और ड्रग्स बेचता है। राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसे रक्षक एलाइड पीडी क्लब जैसी ही पुलिस आती है। वो भाग निकलते हैं। दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म राधे मंसूर को गिरफ्तार करता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे दगडू की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है। राणा बदला लेने के लिए दगड्डू को मार देता है। राधे को अक्षम मना जाता है और एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। राधे अविनाश की मदद से गुप्त रूप से अपना काम जारी रखता है। इस बीच राणा के एक गार्ड जिसे गिरफ्तार किया जाता है दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वो एक सौदा करते हैं और अधिकारी गार्डों को भागाने देंगे यदि वह उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता है और गार्ड सौदे को स्वीकार करता है। दोनों अधिकारियों के बारे में पता चलता है कि उन्हें राधे ने एक चाल के रूप में काम पर रखा था। राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है। राधे स्कूल के छात्रों की मदद लेता है और वो स्वीकार करते हैं राणा के गिरोह और जिन लोगों को वो ड्रग की आपूर्ति करते हैं उनकी तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। फिल्म राधे अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। निकाशा नाम की एक पुलिस अधिकारी राणा द्वारा पकड़ी जाती है। राणा उसे मारने वाला होता है लेकिन दोस्तों राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख नहीं पाता है। अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जो
गिरफ्तार किए गए थे, भाग जाता है और राधे उनमें से अधिकांश को और ड्रग का कारोबार शुरू करने की योजना बनाता है। राधे हेलीकॉप्टर पर